Good morning students. Take out your drawing practice copy and stationery. First draw outlines. Write serial number, drawing, classwork and date. Write topic in capital letter and diagram name simple circuit. Simple SIMPLE simple, CIRCUIT circuit, simple circuit, simple sada circuit, a complete path through which current may flow. Circuit kise kehte hai beta? A complete path, mukammal rasta, through which current may flow, jisme current guzar sake, may flow guzar sake. आज हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सिंपल सर्किट फिजिक्स का डायग्राम है. हमारे घरों में बेटा, स्कूल में, क्लास में, घरों में, होटल में, क्लब्स वगैरह में, मस्जिद में आप लोग देखते हैं कि लाइट होती है. लाइट का फुल एक सर्किट गुजरा हुआ होता है. आप लोग अपनी क्लास में देखें, यहाँ स्विच बोर्ड लगा है, आप लोगों को नज़र आ रहा है. इस सेम सर्किट वगैरह वायर्स, जिसमें वायर्स लगे हुए होते हैं, मुकम्मल एक प्रोसेस, एक तरीके से गुजरा हुआ होता है. सिंपल सर्किट के डायग्राम की तरफ आए. डायग्राम से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे बैटरी. आप लोगों ने देखे होंगे यूपीएस के बैटरी, जो आप लोगों के घरों में भी होते हैं. ठीक है बेटा, ओके बेटा. अब ओके बेटा, यहाँ तक हो गया है. अब हम
ओके बेटा, ये बैटरी है, बैटरी से अब हम यहाँ से वायर फ्लेक्स, ठीक है, जिसमें करंट पास होती है, और यहाँ से यहाँ हम बनाएंगे करिए, यहाँ से पहले इरेज कर लेंगे, यहाँ तक हो जाए, यहाँ हम बनाएंगे पहले ये स्विच बना लें, ठीक है, ओके बेटा, ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये हो गया है, ओके बेटा, अब प्लस यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ से लेकर आएंगे स्विच की तरफ, ओके बेटा, और यहाँ पर ओके बेटा, ये स्विच हो गया है, अब जिसके लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है, फर्ज करें यहाँ हम फैन भी ले सकते हैं, बल्ब हम ले लेंगे, बल्ब ज़रा इजी है तो बल्ब ले लेंगे, ठीक है बेटा, ये हो गया है बल्ब, प्रो कर रहे बल्ब हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है बल्ब, ठीक है बेटा, ये हो गया है बल्ब, ओके बेटा, बल्ब के बाद हम क्या करेंगे, बल्ब रेडी हो गया है, अब जिस तरह एक वायर जो है वो स्विच तक आई है, यहाँ से क्योंकि जब हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन होगा, ओके बेटा, और यहाँ से बैटरी से एक वायर लेकर आएंगे, बल्ब की तरफ, अब देखिए बेटा सिंपल सर्किट की तरफ, अ कंप्लीट पाथ, सिंपल मतलब सिंपल सर्किट, सर्किट मीन अ कंप्लीट पाथ थ्रू विच करंट मे फ्लो, अब देखिए बेटा यहाँ बैटरी है, हम जब घर में फैन ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं, बटन वगैरह यूज करते हैं ना, जब हम बटन ऑन करेंगे बल्ब ऑन होगा, जब हम बटन ऑफ करेंगे बल्ब ऑफ होगा, जब हम बटन ऑन करेंगे, हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए जो है स्विच बोर्ड मस्ट लगा हुआ होता है,
तो यहाँ बैटरी के थ्रू इसमें करंट पास होता है। ठीक है बेटा, ये बल्ब है, जब हम यहाँ स्विच का बटन ऑफ करेंगे बल्ब जो है वो ऑफ होगा, और करंट कहाँ से इसको मिल रहा है, बैटरी से मिल रहा है। क्लियर हो गया है बेटा, सिंपल सर्किट, अ कंप्लीट पाथ थ्रू विच करंट में फ्लो। सिंपल सर्किट, सर्किट का सर्किट मीन है। अच्छा बेटा, अब इसमें लेबलिंग, इसमें लेबलिंग हम करेंगे, इसी तरह लाइन लेकर आएंगे। ये क्या है बेटा, आप लोग मुझे बताएं, शाबाश, क्या है? उसी तरह डबल अंडरलाइनिंग और कैपिटल लेटर में हम राइट करेंगे बैटरी, BATTERY, बैटरी। नेक्स्ट, ये बैटरी हो गया है, ये है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, गुजर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फ्लेक्स या वायर। अब हम आएंगे नेक्स्ट लेबलिंग, वायर, WIRE, वायर, इसको फ्लेक्स भी कहते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारी लेबलिंग है बल्ब, बैटरी, वायर, बल्ब। अब नेक्स्ट हेडिंग लेबलिंग हमारी है स्विच, SWITCH, स्विच। ओके बेटा, स्विच, बैटरी, बल्ब, वायर एंड बल्ब। इसमें आप लोग शेडिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर शेडिंग कर लेंगे। ओके बेटा, और यहाँ बैटरी में शेडिंग हो जाएगी। सिंपल सर्किट का डायग्राम है बेटा, लेबलिंग है स्विच, बैटरी, वायर एंड बल्ब। डायग्राम नोट करें बेटा, मैं आ रही हूँ, आप लोग की नोटबुक चेक करें। बस क्लियर बेटा।